मैंने जीएम से शुरू किया और Thank you.
वरुण को बुला, वरुण को बुला लो ना। और क्या कर रहे हैं? मैं क्या साथी नहीं लेंगे? अब ऐसा ही करा। थैंक्स, थैंक्स बोल दो। सेम पोस्ट ट्राई करने को मैं ये वाला नहीं, जो भी पोस्ट कर रहे हो एक ही करो ना सर। ओके चलो, हो आप थोड़ा पीछे आ जाओ ना सर, इनको इनको थोड़ा पीछे आने दो। मनोज सेंटर से लेगा ये वो पोस्ट मिल सकते हैं उधर से मिलेगा क्या? उधर से मिलेगा तो सर साहब वाले से छह लोगों को करना चाहिए, बाकी को ना दस का मान लेते हैं। नहीं कर रहा हूं सब बुद्धि कर ले, थोड़ी मेहनत यार। हम लोग गेट से उसको अनुकम में हगी मोड़ सब। अच्छा अब हम तुमको कॉल कर रहे हैं, पानी दो यार। नो व्हाट टू वाज दिस पोस्ट ना, डू समथिंग एल्स, डू समथिंग फनी, डू समथिंग हैप्पी ना। दिल ही खराब चल रहा है, पहले हाथ नहीं खुल रहा था। बैग કોમન કે બધાનો કલ અહીં હતું ને હા સરસ વાળા તો આમાં હું પિક્ચર જોઈને તમને કેપ્શન લખી મોકલાવ એક કામ કરું એમ ફોટો કાઢીને એના નામ ફોટો કાઢીને એના નામ એમ મોકલાવ તરીકો और
दूसरा रेड वाले शेयर कर दो चाय पी सैंडविच खा ले मोन्टाज मिल गया ना तेरे को तीन चार मिनट मोन्टाज चल जाएगा ना कि भाई कहाँ जा रहे हो कौन सा लोग किसी ने भी तेरे सामने पार्टी वाले बोल रहे हो रात को फोन बजा लिया फोन कर रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्रिकेट मैच के बारे में ये वेल ये जो है एक टीम हम लॉन्च कर रहे हैं इट्स अ सेलिब्रिटी टीम जो फिल्म और टीवी दोनों वर्ल्ड से है मतलब दोनों फ्रेटर्निटी की जो एक्टर्स हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे एंड आइडिया ये था कि बिकॉज इज दिस कंट्री सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट इसी तरह हम भी हैं ऑब्वियसली हम हमारे अंदर भी एक स्पोर्ट्समैन है एज एन एक्टर हम लोग इतना काम करते हैं शूटिंग करते हैं सच बिजी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ होती है हमारी तो हम चाहते हैं इसके बीच हम भी कुछ ऐसा करें जो हमारे लिए एंटरटेनिंग हो एट द सेम टाइम हम इसको बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे कंट्री में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है एंड मोस्ट ऑफ द अस प्ले क्रिकेट सो हमने इस स्पोर्ट्स को चुना है एंड सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस स्पोर्ट्स को चुनने से क्योंकि आपके साथ बड़े अच्छे लोग जुड़ जाते हैं एंड राइट नाउ वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट 20 पीपल जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि अबाउट 10-12 पॉपुलर फेसेस हों और 6-8 ऐसे फेसेस हों जो अपकमिंग हैं न्यू फेसेस हैं जो अभी नए नए शोज़ कर रहे हैं जो मे बी 1-2 साल बाद पॉपुलर हो जाएंगे और 2-3 और 3-4 फेसेस हम ऐसे वो करते हैं जो एक्टर्स नहीं हैं लेकिन आप वेरी गुड क्रिकेटर्स ताकि यू नो उन्हें हम अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं कभी किसी वजह से किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से उनको शायद वो स्पोर्ट्स इतना खेलने को ना मिला हो क्लब पोजीशन में जाने को ना मिला हो कि हम उनको अपने साथ खिला के उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे सो हमारे साथ जुड़े हैं वरुण ही इज़ आर कैप्टन आई एम द वाइस कैप्टन एंड ये कब हुआ नो नो दिस इज ही ऑलवेज कैप्टन्स आवर टीम एंड अब यहाँ से हम लोग जस्ट चलने वाले हैं सो दिस इज़ हाउ द लीडरशिप विल वर्क एंड हिमांशु इज़ देयर एंड करण वाही देन देयर इज़ अरमान कोहली एंड अमित सरीन हुज़ राइट नाउ बैटिंग प्रैक्टिसिंग ओवर हियर
and there are lots of new actors. Abhishek Kapoor, then Maninder is one of our actors. Maninder Kapoor, naam maloom hai? Maninder. So Maninder, Delhi wala. No? Delhi wala. Maninder hi kafi hai. Maninder. So Maninder is here. So a lot of those information you will get later. And then there's Abhishek Kapoor, there's Karan Ambardar, who's right now the host for the Kabaddi, Pro Kabaddi, this thing. And so then there are a lot of new faces and popular faces जो हमारे साथ आगे जुड़ने भी वाले हैं. तो हमने स्टार्ट करने का वो था, तो हमने इस चीज़ को शुरुआत तो हमने कर दी है. एंड आज जो आप देख रहे हैं ये नेट सेशन है, यहाँ से क्रिकेट की शुरुआत होती है कि सबसे पहले आप नेट्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को एक स्पोर्ट्स के लिए तैयार करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जाएंगे मैचेस पे जो हम ऑलरेडी शेड्यूल कर चुके हैं. हमारे पास बहुत सारे अच्छे मैचेस आने वाले हैं और उसके बाद हम लोग एक ऐसा टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं, एक लीग प्लान कर रहे हैं जो बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्टर्स को लेकर हम करेंगे, जिसमें और भी इंडस्ट्री की टीम्स होंगे एंड इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर करने की हम सोच रहे हैं. एंड वेल एक तो ये, दूसरा आई वांट टू थैंक आवर स्पॉन्सर बॉनी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो डू हैव कम ऑन बोर्ड टू सपोर्ट अस. एंड क्योंकि इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर का होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता है कि दिस अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो इसलिए इसके लिए हम वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स. एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू ऐड वॉज आवर कॉज. So we are supporting this foundation called Positive Farm Sanctuary, जो you know abandoned कुत्ते, injured कुत्ते, जो stray dogs and non-stray dogs जिनको abandon कर देते हैं उनको उनका ख्याल रखते हैं and उनके लिए farm तैयार किया जा रहा है जिसमें उनको उनका ख्याल रखा जा सके. धोनी से आप बता चुके अनुप सर है, ठीक है, जो ऑपरेटर या टीम को मैनेज कर रहे हैं. विराट कोहली कौन है जो एकदम बैट्समैन जो टीम को संभाल रहा है? अच्छा, नेहरा जी कौन है जो पूरे बॉलिंग साइड संभाल रहा है? कोच कौन है, कौन किस चीज से मेंटेन कर रहा है अपनी टीम? नींद नहीं आएगी दो तीन लोगों को, मैं बता रहा हूँ. अगर किसी को यहाँ पे विराट कोहली बोल दिया है जेन्युइनली नींद नहीं आएगी. मतलब देखो, कम से कम एक तो बात है कि जितने भी हम लोग खेलने वाले लोग हैं यहाँ पे, मतलब बहुत कंसिस्टेंट हैं कुछ एक बैट्समैन. मतलब यही भी देख के मैं बता सकता हूँ, एक अभिषेक कपूर है जो कि अभी आज पहुँचा नहीं है अभी तक. मुदस्सर दूसरा एक बैट्समैन है, मतलब जो कि एक लेवल का क्रिकेट खेल चुके. अभिषेक कपूर दिल्ली में ऑलमोस्ट अंडर 19 कैप्टन. एंड रक्षित पंत है जो कि दिल्ली अंडर 20 सॉरी दिल्ली T20 रणजी टीम में सेलेक्ट हो गया था. तो मतलब ऐसा नहीं है, खेलने वाले सारे के सारे बहुत लेवल के प्लेयर्स हैं और जिस दिन आप इनको खेलते हुए देखोगे उस दिन समझ में आएगा कि मतलब दे शुड हैव एक्चुअली बीन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. वो एक्टिंग करने के लिए आ गए हैं ये अलग बात है, और एक्टिंग कर भी रहे हैं सारे के सारे. सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से अपने आप को चैलेंज करें, ताकि हम लोग जिन्होंने की क्रिकेट ब्रिटिश पीरियड में छोड़ दी थी तो वो दोबारा कम से कम जो है ना वी स्टार्ट कनेक्टिंग विद द गेम. एंड अच्छे लोगों के साथ खेलो तो गेम हमेशा इम्प्रूव ही करता है आपका. दैट्स ट्रू. I don't know, I'm just being a part of this daring dozen. Abhi I think pehla din hai, pehli baar mulaqat ho rahi hai. Varun bhaiya se to hoti rehti hai, Anupam ji se pehli baar mulaqat ho rahi hai. Bahut kamal ka opening batsman hai. Thank you so much. Opposite team mein khele kai baar. Ha, hum log opposite khele hain Pune aur Chennai ki taraf se, but I'm very happy ki at least seasons cricket shuru ho raha hai, kyunki main bhi cricketer tha and phir kahin se acting mein ghus gaya achanak se, and I really passionate to shuru se tha cricket ke bare mein. I'm very happy ki ye nayi team hamari form hui hai Daring Dozen, and I'm really excited to be a part of this. Aur hamare tournaments honge, hamare matches honge, so yeah, I'm super excited and super happy ki hum naya season shuru kar rahe hain ek naye tarike se, kyunki beech mein hum log bahut saal pehle ek Indian television squad hua karte the, Anil Banwari ji own karte the, right, so right. I was leading that team. To ho gaye kuch saal ho gaye is baat ko, fir baad mein something happened and dismantle ho gayi team. तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि सब प्लेयर्स बिखर गए थे अलग अलग, बट अभी जैसे आपने कहा मनिंदर भी है हमारी टीम में, तो मनिंदर वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो आई एम वेरी हैप्पी कि सब दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी, विल हैव अ गुड टाइम, विल फॉर्म यू नो इसे बहाने एवरीवन गेट्स टू मीट ईच अदर. अदरवाइज लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है विद एवरी टेलीविजन शो एंड एवरी डेली शो. सो या गुड टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ. सो या वेरी हैप्पी. It's a stress buster and it brings people together, friends together, to have good bonding and you know play the game. Yeah, aap pooch rahe. Like a celebrity, so which one is the toughest role, cricketer or celebrity for acting?
आई थिंक अब तो क्रिकेट ही ज्यादा टफ है, चैलेंज वो है. एक्टिंग तो अब थोड़ा थोड़ा सीख गए हम लोग हैं, और थोड़ा थोड़ा लोग हम पे बिलीव करते हैं एज एक्टर्स. उनको अब ये बिलीव कराना कि हम लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं, वो चैलेंज है, वो हमको पूरा करना है. जब फास्ट बॉलर की यहाँ से निकलती है ना, तो क्रिकेट बहुत टफ होता है. जिस दिन निकलेगी उस दिन पता चलेगा क्रिकेट बहुत टफ हो जाता है. एंड आई पर्सनली फील दैट ये जो क्रिकेट है, जो एट द बेस्ट लेवल वो है, लेदर अपना सीजन क्रिकेट है, यही ऐसा क्रिकेट जो बहुत एक्साइटिंग है. आप गली क्रिकेट खेल लो, वो चलो एक अपना है, अपने ड्राइंग रूम में खेल लो, अपने बैकयार्ड में खेल लो, लेकिन जो एक पूरे ग्राउंड में खेलने का मज़ा है और जो उसका एक्साइटमेंट है, उसको मेरे को नहीं लगता कोई भी चैलेंज कर सकता है. मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें, जब बॉल लगती है ना, हाँ, तब आपका डर छूटता है. बॉल से डर नहीं लगता मेरे हिसाब से. दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज. मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लड़का क्रिकेट खेला और उसको कभी बॉल लगी ना. मैं तो आज तक किसी से नहीं मिला. बहुत आम सी बात है, ये बॉल तो लगेगी. जब तक बॉल लगेगी नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्रिकेट खेला कैसे जाता है. क्योंकि बॉल लगती है तब आपका डर खुलता है कि चल ना ठीक है, इतनी लगेगी ना, उसके बाद देख लेंगे. बट उस क्रिकेट को खेल के मुझे पर्सनली लगता है फायदा भी नहीं है, जहाँ पे आपको बॉल से डर ना हो. मतलब ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे बॉल से डर नहीं लगता, एक्चुअली उन्होंने अपने डर के ऊपर काबू रखा हुआ होता है. वरना कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसको बॉल से डर नहीं लगता. और इसीलिए आप अपनी टेक्निक पे काम करते हैं, इसीलिए आप जो है मतलब अपने आप को टेक्निकली परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. क्योंकि आप टेक्निकली अगर ठीक होंगे तो उतना आप बॉल से जो है आसानी से बच सकते हैं. अदरवाइज हर बैट्समैन हेलमेट पहन के क्यों खेलता है? जाहिर है इसीलिए खेलता है क्योंकि बॉल से डर लगता है, लग सकती है. और आप क्रिकेटर बन नहीं सकते अच्छे जब तक कि मतलब जो बॉल आपको चोट नहीं पहुंचा सकती, तो फिर आप क्रिकेट क्या खेलोगे? मतलब वो डर होना बहुत ज़रूरी है. वो उस डर की वजह से ही आप जो है अपने आपको परफेक्ट बनाते हैं. और उसी वही उस गेम का एक्साइटमेंट वही है. एग्जैक्टली. एक बार हमको तैयार होने दीजिए, उसके बाद हम इंडिया टीम को भी चैलेंज कर देंगे. हारेंगे और क्या? मैक्सिमम क्या हारेंगे? वेल थैंक यू. अगर अच्छा फॉर्म लगा, दैट्स व्हाट यू वांट टू हियर एज अ बैट्समैन, कि आर यू लुकिंग इन गुड फॉर्म. बस लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि पहली बार क्रिकेट, मतलब पीपल हैव पैशन फॉर क्रिकेट, बट दिस डर्टी डज़न हैज़ अ पैशन फॉर सम कॉज, वेयर वी आर गेटिंग ऑल द स्ट्रीट डॉग्स एंड डेयरिंग डज़न. द डेयरिंग डज़न हैज़ done a great thing by getting doing cricket for a cause. Mostly people play cricket for passion. That's what I've come here to support the cause, and especially to Dilzan, who's really worked hard for this, getting all these people together. I just got operated. My knee has been operated, so it's been only 1.5 months. So maybe in 1 month I'll be fit. Yeah, I'll be there, and I'm trying my best to do physio and all, and then I'll start shooting and I'll start playing. Timing relaxes. See, सबसे पहले तो ये जो डेयरिंग डज़न है, हमने एक टीम खड़ी की है, और ये हम चाहते हैं कि सीरियस जो क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए, एक्टर्स को हमेशा एक पैशन रहता है कि हम कुछ करके दिखाएं, कुछ करें. और बिजी शेड्यूल में ना हमें फिटनेस मिलता है, ना हमें कुछ, तो ये हमें ऐसा लगता है आज शूटिंग पे शायद हम लोग लेट जाए, लेकिन यहाँ के यहाँ पे सब 7-7:30 बजे पहुँच जाते हैं. तो एक वापस से वो जो बच्चा जो हमें बाहर आ रहा है कि यार कि हम लोग जो छोटे थे तब ये सारी चीज़ें किया करते थे, तो और अभी ये करने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई एम फीलिंग कि ऐसी चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए. और थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर्स बॉनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दिया. और सारे हमारे एक्टर्स हैं, अमित जी है, जीतू जी है, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर एक इस चीज़ को आगे बढ़ाने में एक सपोर्ट किया है. थैंक्स टू एवरीवन. और ये सारी चीज़ें हम बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, और 100% ये आगे आएगी, बिकॉज सब लोगों का साथ है हमारे साथ. और मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेके खेला जाए, तो बहुत मज़ा आएगा और आप सब भी एंजॉय करेंगे. सर,
डेयरिंग डज़न एक ऐसी टीम है जिसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ टैलेंट एज वेल एज टैलेंट सॉरी वन मोर वापस देते हैं इज अ मिक्सचर ऑफ टैलेंट एंड पैशन बस यही एक लाइन है और ये हम लोग बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाना चाह रहे हैं और सबका सपोर्ट है तो 100% आगे जाए अच्छा मैं अपने कुछ और फेसेस को इंट्रोड्यूस हमारे टीम के कुछ और इंपॉर्टेंट फेसेस से मिलिएगा प्लीज दिस इज करण अंबारदार ही इज अ स्टार स्पोर्ट्स ऑफिशियल एंकर फॉर देम एंड रिसेंटली ही जस्ट एंकर्ड प्रो कबड्डी राइट एंड अ वेरी 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 गुड क्रिकेटर ऑलराउंडर ही बोल्स वेरी वेल एंड बैट्स वेरी वेल दैट्स मुदस्सर इज अ फैशन मॉडल एंड बहुत सारे इनके एड्स अभी आए हैं एयर पे एंड इज ऑल्सो अ फैंटेस्टिक ऑलराउंडर बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेले हुए ही फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड दैट्स रक्षित पंत अगेन फैंटेस्टिक क्रिकेटर वेरी गुड लेग स्पिनर एंड अ वेरी गुड बैट्समैन एंड ही इज डूइंग करंटली अ शो कॉल्ड नारायण नारायण एंड इज ऑल्सो प्लेइंग BCL करंटली एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर टीम एंड दिलजान वुड लाइक टू से समथिंग ओवर देयर Actually, I am very happy to say that ki our captain is Varun Badola and vice captain is Mr. Anupam Bhattacharya and we would love to play under them and we will definitely play a good game. Thank you very much. You can continue with there by whatever you want to ask. Okay, ठीक है. चलें. अब हम तीनों डेयरिंग डजन्स के लिए खेल रहे हैं और इट्स फन हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी होते हैं पहले सब स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं और कट ऑफ हो चुके हैं एक्चुअली अपने प्रोफेशन की वजह से सो इट्स फन टू प्ले कम बैक टुगेदर फॉर्म अ टीम टुगेदर नेम इट डेयरिंग डजन्स वी आर ऑल डेयरिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट सीजन एक्चुअली एंड लाइक व्हेन आई गॉट शिफ्टेड हियर तो मुझे नहीं लगा कि हाँ मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा बट इट्स लाइक अ फैमिली नाउ मीन्स our captain Anupam he supported us really well and especially thanks to Boney infrastructure jinhone hame support kiya unki wajah se aaj hum ek team bana paye aur aage bhi iske ko dekhenge aur isi ke sath inshallah khelenge just like to say that there is a bit of a cricketer in every one of us every Indian and I have played professional cricket for a lot of years around 12 years and then got cut off from it came to Mumbai got into acting So it's such a good platform that, you know, such good people are playing together and they've formed a team. So it's fun playing together and doing good sessions. That's the whole thing. That's everything about it. So it's really nice. And we are really passionate about the cricket. And it's like a year now, so we are playing together. So we are so excited about kick-up match, match-up. Like we have like, you know, small WhatsApp group.
एवरी डे वी चैट अबाउट द लाइक क्रिकेट, आज क्या हो रहा है, लाइक एवरी, इट्स लाइक अ ESPN स्टार स्पोर्ट्स ग्रुप, हमारी रनिंग कमेंट्री साथ साथ में मैच के टाइम चलती रहती है, अपने स्पेशल कमेंट्स हम देते रहते हैं, सो हमारे अंदर क्रिकेटर भी है कमेंटेटर भी है, सो कभी कभी मुझे लगता है हम लोग शायद नेट्स में बैठ के बार बार हमें कॉमेंट्री शुरू कर देनी चाहिए, वैसे हम सब चीजें फॉलो वहीं से कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मसाला है हमारी टीम में, भी क्या चल रहा है, वो सब हमें वहीं से पता चल जाता है, कोई एबसेंट भी रहता है, कुछ होता है तो, बट स्टिल हम अप टू डेट रहते हैं सारे. It is a good cricket team and hopefully we'll win the matches and we'll be performing really well. It's really a good team and good guys also. Yeah, it's a good bunch of people, a good bunch of people that we have. I actually work with Star Sports and मैं जब दिल्ली से, जैसे सब कह रहे थे यहाँ पे, रक्षित मुरी कह रहे थे कि जब हम आए दिल्ली से अपने अपने स्टेट से आए तो हमें लगा कि स्पोर्ट्स यहाँ पे अब इंडल्ज नहीं कर पाएंगे, बट ये जो हुआ है मुझे लग रहा है अंदर से कि ना बच्चा वापस निकल आया है. हम लोग अभी सुबह सुबह 7 बजे उठ के आए हैं, आई थिंक सर शूट्स के लिए 7 बजे उठते थे, हाँ, और स्कूल में होता था कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के नेट सेशंस के लिए जा रहे हैं, किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं. आज पता नहीं कितने सालों के बाद सुबह हम उठे हैं कि आ खेलने जाना है, आज काम पे नहीं जाना, आज खेलने जाना है. सो एक जो बच्चा होता है ना, आज हमें बाहर आ गया. इट्स लाइक टू बी बैक टू स्कूल. जो स्कूल में एक्साइटमेंट होती थी कि चलो यार अब हॉलीडेज आ गई है तो क्या करना है, सुबह सुबह मॉर्निंग भैया सुबह 7 बजे मैच है, इट्स लाइक दैट. तो वही अभी फीलिंग हमें आ रही है कि भैया वही हो रहा है, मैच खेलो और चलो सुबह मैच खेलने. सर यहाँ छुट्टियां नहीं होंगी, बहुत लोग यहाँ से शायद काम पे भी जाना पड़ेगा, बट हम फिर भी खेलने आए यहाँ पे. एब्सोल्युटली सब लोग काम पे जाने वाले हैं, लेकिन आज सुबह 7 बजे यहाँ सब खेलने के लिए पहुंचे हुए. सो आई थिंक इट शोज, इट सेज अ लॉट अबाउट द टीम, द बंच ऑफ 14-15 पीपल जो हम खेल रहे हैं, मीन्स कि हम बहुत सिंसियर डेडिकेटेड हैं एंड सीरियस क्रिकेट खेलने आए हैं, मस्ती करने नहीं आए हैं, जेन्युइन यहाँ खेलने आए हैं, बस चोट ना लगे, बस वो उससे बच के रहना पड़ेगा. Thank you so much. अभी डेयरिंग डज़न टीम से हम लोग खेल रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और हमें काफ़ी मज़ा आ गया और सारे नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, सारे नए खेल रहे हैं, हम लोग नए नए लोग जुड़ रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है. और बेसिकली मैं, आई हैव प्लेड क्रिकेट फॉर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एंड आई हैव सिलेक्टेड फॉर अंडर 14 MCA कैंप एंड आई एम प्लेइंग ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट क्रिकेट और साथ में एक्टिंग करियर भी शुरू है, तो मज़ा आ रहा है लोगों के साथ खेल के. मैं भी काफ़ी देर से मतलब अपनी स्टेट लेवल के लिए खेल चुका हूँ अंडर 19 अंडर 14, बट अभी एक्टिंग में हूँ यहाँ पे, तो मैं भी काफ़ी देर से डेयरिंग डज़न के साथ खेल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ इनको, बहुत ज़्यादा. आई थिंक डेयरिंग डज़न इज अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर पीपल एंड दे इन्जॉय मॉर्निंग क्रिकेट एंड since I've been a part of a big club in UK, this is something new which the actors have started and I really like it and I think I'll be having a great time in Daring Dozens. ab hum saath mein khelenge aur har ek match jeetne ki koshish karenge, itni mehnat kar rahe hain, subah aake paseena baha rahe hain, to hum koshish kar rahe hain, dekhte hain, paseena baha rahe hain yahan pe ji, to hum karenge aur jeetenge sare team. practice mein abhi koi aa rahe hai koi nahi aa rahe, sab ek saath ikhatta honge to zarur jeetenge hum log. Diljan bhai and Anupam bhai, so nice support and I am also support from Daring Dozens team. Thank you. Okay, very thank you much. Ha, ha, ha.
डेयरिंग डजन टीम के जो मेन स्पॉन्सर्स है हमारे वो बॉनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और उन्होंने बहुत ही हमें इस चीज़ को शुरुआत करने में उनकी उनकी काफ़ी सहायता रही है, और हमने इस टीम को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए उनका जो सपोर्ट रहा उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। बॉनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा सबको हेल्प करते आया है, और इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि यस हम डेयरिंग डजन्स को एक अलग लेवल तक पहुंचाएंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो टीम को साथ में लाने का जो एफर्ट किया है वो है मिस्टर अनुपम जी। अनुपम जी आप कुछ उनके बारे में कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप जानते हैं कि एक इतना बड़ा जो काम है इस स्पोर्टिंग इवेंट को एकत्रित करना, सबको एक साथ लाना, इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे पॉपुलर फेसेस हैं, और ये जो गेम है क्रिकेट की ये दिखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन इसके एक्सपेंसेस बहुत हैं, एंड इट इज़ आई थिंक इज़ मोर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम्स, जबकि लोग बड़े पैशनेटली इसको फॉलो करते हैं। तो हमारे पैशन में हमारी मदद करने के लिए बॉनी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हमारे साथ आया, इस बात के में बहुत खुशी है, एंड वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल कि हमारे इस काम में बॉनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी मदद कर रहा है।